फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना के किसे पसंद नहीं है। पूरा हफ्ता कड़ी मेहनत करने के बाद हर किसी का मन करता है एक सुकून भरे माहौल में अपने पसंदीदा लोगों के साथ बैठकर स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाना। दुनिया में ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स भी है जो अपने खाने के मेन्यू से हटकर अपने थीम्स में भी नजर डालते हुए हर साल नए ग्राहकों को स्वागत करते हैं। कभी कभी इन रेस्टोरेंट्स के पास और भी बहुत कुछ होता है अपने ग्राहकों के लिए। प्रस्ताव सिर्फ इतना है कि आप बस हैरान हो सकते हैं ऐसे अनोखी रेस्टोरेंट्स को चुनकर या सिर्फ इस वीडियो को देखकर ही। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे अजीब रेस्टोरेंट्स के बारे में। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। 10वें नंबर पर है अंडर सी रेस्टोरेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हरवा लिस्ट पर इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से समुद्र के नीचे बनाया गया है। यहाँ आप समुद्र के नीचे मछलियों के साथ खाना खा सकते हैं। ये मालदीव्स पर बनाई हुई एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट है जिसे आमतौर पर 5.8 अंडर द सी रेस्टोरेंट कहा जाता है। ये हिंद महासागर पर है और ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास आपके लिए सभी तरह की फैंसी फूड्स अवेलेबल है। ये रेस्टोरेंट हरवा लिस्ट होटल बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि यदि आप होटल के गेस्ट नहीं भी है तो भी आप एक टेबल बुक कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया, ये रेस्टोरेंट उतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 10 टेबल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर खाना खाने के लिए हर एक व्यक्ति को $280 यानी 21,000 रुपए की खर्च करना पड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपने पकवान पर जो खाना देख रहे हैं वो आपके ही आसपास पानी में तैरता हुआ कोई भी प्राणी हो सकता है। नंबर 9, रोबोट रेस्टोरेंट। अगर आप जापान में घूमने जाते हैं और आपको मस्ती और शोर से भरी एक रात यानी लेट नाइट पार्टीज कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से एक ध्यान में रखने वाली जगह है। पिछला रेस्टोरेंट जो आपको नेचर के करीब ले जाएगा, ये उससे बिल्कुल विपरीत है। जोरदार म्यूजिक, नियॉन लाइटिंग से भरपूर और लोगों की भीड़ इस जगह की खासियत है। इसे टेक्निकली रेस्टोरेंट तो नहीं कहा जा सकता। धमाकेदार नाच गाने के साथ ये खाने में सिर्फ सुशी ही सर्व करते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है चमकदार शोज और परफॉर्मेंस। ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये शो 90 मिनट तक चलता है। PS, एडवांस बुकिंग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है लंबे लाइन में इंतजार करने के बजाय। नंबर 8, मॉडर्न टॉयलेट। किसने सोचा होगा कि एक टॉयलेट थीम वाला रेस्टोरेंट इतना लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बढ़िया भोजन की अवधारणा से काफी ऊपर उठ चुके थे। द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट 2004 में हांगकांग पर खुला था और इसका थीम टोटली एक टॉयलेट के जैसा बनाया गया था। अब जब तक परोसा जा रहा खाना स्वच्छ और स्वादिष्ट है, तब तक तो ये विजिट करने के लिए काफी कूल रेस्टोरेंट है। पूरे रेस्टोरेंट को बाथरूम की टाइल्स से सजाया गया है जिस पर पूप इमोजीज है, और कुर्सियों के बजाय उन्होंने बैठने के लिए टॉयलेट पैन स्थापित किए हैं। आसपास सभी प्रकार की बाथरूम थीम वाले वस्तु से अटा पड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भोजन भी परोसा जाता है टॉयलेट की तरह दिखने वाले डिशेस में। नंबर 7, डिनर इन द स्काई रेस्टोरेंट। हैरान मत होइए, आप सभी अब समझ चुके होंगे कि पानी के नीचे और शौचालय में रात के खाने के बाद ये किस दिशा पर जा सकता है। ये स्काई रेस्टोरेंट वास्तव में एक बड़ा मंच जैसा है जिसे एक विशाल क्रेन द्वारा 150 फीट की ऊंचाई पर हवा में निलंबित कर दिया गया है। इसकी शुरुआत लास वेगास में हुई, फिर इसे अलग अलग देशों में लॉन्च किया गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आकाश में रात के खाने की कीमत कितनी हो सकती है। डिनर इन द स्काई अनुभव में 8 से 10 अलग अलग डाइनिंग विकल्प है। हैप्पी आवर्स इन द स्काई जिसकी कीमत है $149, ब्रंच इन द स्काई $299, और सबसे कीमती पैकेज है VIP डिनर इन द स्काई, कीमत है $569। यानी आकाश में रात के खाने की मजा उठाने के लिए आपके पास खर्च करने के लिए मिनिमम 11,000 रुपए चाहिए होंगे। फोर्ब्स ने इसे दुनिया के 10 सबसे असामान्य रेस्तरा में से एक कहा है। नंबर 6, द ट्विन स्टार्स डाइनर। ये डाइनर मॉस्को में स्थित है और ये वास्तव में पूरी तरह से जुड़वा की थीम से बनाया गया है। यहाँ सब कुछ जोड़े में आता है, चाहे वो भोजन हो या यहाँ के एम्प्लॉयज जो एक ही तरह के पोशाक पहनते हैं। किंगडम ऑफ क्रूक्ड मिरर्स नाम की एक पुरानी सोवियत फिल्म देखने के बाद रेस्टोरेंट ओनर को ये विचार आया था। रिसेंटली इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में भी नए ग्राहकों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। हाल ही में वे उन लोगों के लिए 2-for-1 डील ऑफर करते हैं जो जुड़वा है, और यदि आप ट्रिपलेट्स है तो आपके लिए है 3-for-1 डील। 5वें नंबर पर है द केमी स्नो रेस्टोरेंट। नॉर्वे में स्थित ये रेस्टोरेंट आपको अपने पिछवाड़े को जमाने का अविश्वसनीय अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ आप एक विशाल बर्फ महल के अंदर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं।
बिल्कुल सही, ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ से बना है। छोटे से लेके बड़े तक हम सभी को बर्फ पर खेलना या सैर करना पसंद है कि नहीं। लेकिन अब किमी रेस्टोरेंट आपके लिए पूरी तरह से जमी बर्फ से बनी एक महल के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी पेशकश कर रहा है। इसने 1996 पर अपने दरवाजे खोले और अपने पहले वर्ष में ही 3 लाख से भी अधिक लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित किया और तब से ये संख्या केवल बढ़ती जा रही है। चूंकि ये एक बर्फीला महल है इसलिए सीजन समाप्त होने के बाद इसे हर साल तोड़ना पड़ता है और अगले सीजन में एक नए आर्किटेक्ट द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। इसका मतलब हर साल एक यूनिक डिजाइन के साथ एक नया महल। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग यहाँ रात भी बिता सकते हैं। 4th नंबर पर जाने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 4, फिश कैफे। ये रेस्टोरेंट शायद सबसे अजीब और सबसे हटकर है। हालांकि ये हर किसी के लिए नहीं है पर फिर भी इस रेस्टोरेंट ने काफी फेम प्राप्त की है। यहाँ जमीन पर हर जगह मछलियाँ है। That's right, जब आप अपने गर्मा गर्म भोजन का आनंद उठाते हैं तब मछलियाँ आपके पैरों के चारों ओर शैलो पूल में तैर रही होती है। यहाँ का फ्लोर लगभग 25 सेंटीमीटर तक पानी से ढका हुआ है और इसके अंदर करीब 200 मछलियाँ तैर रही है। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है लोकेटेड इन वियतनाम। इस रेस्टोरेंट का नाम है एमिक्स कैफे पर ये दुनिया में फिश कैफे के नाम से ही मशहूर है। नंबर 3, कैबेजेस एंड कॉन्डोम्स। जन्म नियंत्रण की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए इस रेस्टोरेंट ने खोजा एक अजीब नाम। एक रेस्तरा जिसने अपनी भोजन सेवा के साथ रिलेशनशिप एडवाइस देकर अपने लिए एक विचित्र जगह बनाई है। यहाँ की ज्यादातर डेकोरेशन ही कॉन्डोम से की गई है। यहाँ आमतौर पर जब एक अच्छा भोजन खत्म कर रहे होते हैं तब आपको एक चॉकलेट या मिंट दिया जाता है। अब इतना तो बताने की शायद जरूरत नहीं है कि वो चॉकलेट और मिंट आखिर क्या है। इस रेस्टोरेंट ओनर ने विचित्र रूप से थाईलैंड में बड़ी सफलता मिलने के बाद रेस्टोरेंट को बंद करके यूरोपीय बाजार से निपटने की कोशिश किया था। इस रेस्टोरेंट का एक स्लोगन था जो यूथ के बीच काफी फेमस हो गया था, रिमेम्बर अवर फूड इज गारंटीड नॉट टू कॉज प्रेगनेंसी। नंबर 2, द फ्रेश फीस्ट रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट 2017 में अपना खाता खोला था। मालिक ने महसूस किया कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स को लुभाने के लिए स्वादिष्ट खाना और असाधारण सर्विस पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इस कंपटीशन में अपना जगह बनाने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। रेस्टोरेंट ओपनिंग की रात जब सुंदर लड़कियों ने अपने अंडरवेयर में दाखिल किया और खाना परोसना शुरू किया तो सारे ग्राहक चौंक गए। ये इस अवसर के लिए विशेष रूप से किराए पर लिए गए मॉडल्स थे। ये प्रचार कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी और कस्टमर्स द्वारा अपलोडेड फोटोज ने जल्द ही पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। हालांकि ये स्ट्रेटजी इस रेस्टोरेंट के पक्ष में काम किया था लेकिन इसे निष्पादित करना हर जगह आसान नहीं है, खासकर एशियन कंट्रीज में। नंबर 1, ओनोयर। ये शायद टोरंटो कनाडा में सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको पूरे अंधेरे में खाने को मिलता है और आप अंदर जाने से पहले ही मेनू देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ का भोजन भी काफी स्वादिष्ट होता है। मेहमानों को उनके सीटों पर कर्मचारी द्वारा निर्देश किया जाता है जो किसी न किसी तरह से सभी दृष्टिहीन है, तो ये वास्तव में उनके लिए आदर्श नौकरी है। ये रेस्टोरेंट एक बार में 80 लोगों को समायोजित कर सकता है और $40 की काफी सस्ती कीमत पर 3-course फूड प्रदान करता है। ये असल में डेट पर जाने के लिए एक शानदार जगह है, खासकर यदि आप अपने साथी को उसके रूप से अधिक जानना चाहते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये थे 10 क्रेजीएस्ट रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप इनमें से किस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मजेदार जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।